दोस्तों, आज मैं फिर एक लॉजिक एंड रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज कॉन्सेप्ट है एनालॉजी ऑन नंबर। इन द लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे अल्फाबेट के ऊपर में, आज हम नंबर के ऊपर में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 182 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस पैटर्न को हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर 210:380 हो तो 182 व्हाट विल बी द नंबर हेयर। ये सीपीओ एग्जाम 2005 में आया था। तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन, जो हाउ वी गोट 210। अगर 15 स्क्वायर करके 15 को माइनस किया जाए देन वी विल गेट 210, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर 15 माइनस कर दिया जाए तो 210 मिलता है। अब आप देखिए पैटर्न, यहाँ पे हमको क्या मिला, 15 मिला। इसके साथ 5 को प्लस कीजिए तो 15 एंड 5 को प्लस करने से 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर निकाले एंड देन फ्रॉम 20 का स्क्वायर इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 20, आवर रिजल्ट इज 380। तो ये पैटर्न हमको समझ में आ गया कि ये दोनों नंबर निकालने के लिए पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर निकाल के उसी नंबर को माइनस करना है। जैसे 210 के लिए हम लोगों ने 15 का स्क्वायर किया और 15 को माइनस किया, 380 के लिए 20 का स्क्वायर किया और 20 को माइनस किया। अब ये 182 कैसे आया होगा, तो आप देख सकते हैं 13 का स्क्वायर के साथ 13 प्लस करने से 182 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो नंबर होगा वो भी इस तरह का नंबर होगा जो स्क्वायर करके उसी को प्लस करने से आए। तो यहाँ पे देखिए आप, 15 था, 5 प्लस करके 20 मिला। इन द सेम मैनर अगर ये 13 है तो 5 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर के साथ 18 प्लस करने से 342 होगा। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। ये सीपीओ 2005 में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 2:32, देन इन द सेम मैनर 3:2 क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, हम सभी जानते हैं। ये 2 का पावर 5 होने से 32 होता है। आप लोग देख सकते हैं 2 to the power 5 इक्वल टू होता है 32। तो इन द सेम वे 3 है तो 3 का पावर 5 करने से कितना होगा, 243। सो दीज आर द टू क्वेश्चन। ये आपका SSC 2015 में आया था। SSC 2015 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2015 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ये MBA का आया हुआ क्वेश्चन है, 2006 में। MBA 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। पैटर्न बड़ा ही सिंपल है। अगर 5:35 हो तो इधर हमको आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 5 एक प्राइम नंबर है और इसके बाद का प्राइम नंबर 7 होता है, और इन दोनों प्राइम नंबर को इंटू करके हमको 35 मिला है। यू कैन सी दिस 35। दैट मीन्स हम लोग समझ गए जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो 5 के बाद वाला प्राइम नंबर, जैसे कि हम लोग 7 लिए और 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है दैट इज क्या होगा, 11। तो 7 और 11 को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 77। सो हम लोग का आंसर होगा 7:77। वंस अगेन देखिए आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 5 से 35 आया है तो 5 एक प्राइम नंबर है और 5 के बाद वाला प्राइम नंबर 7 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 निकला है। तो इसी तरह से 5 के बाद वाला प्राइम नंबर 7 होगा और 7 के बाद वाला प्राइम नंबर 11 होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना होगा, 77। ये MBA का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। एक रेलवे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर 947 इज रिलेटेड टू 49, 16 एंड 81, तो इन द सेम वे 862 क्या होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल पैटर्न है। आप देख सकते हैं जो 947 है इन तीनों का आप स्क्वायर कीजिए तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। यह रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। दैट इज पहले 49 लिखा हुआ है देन 16 और 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें तो 862 लास्ट वाले का स्क्वायर करके पहले लिखना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर किए 4 हो गया, 6 का स्क्वायर किए 36 हो गया और 8 का स्क्वायर किए तो 64 हो गया। दैट इज आवर आंसर इज 4, 36 एंड 64। ये रेलवे में आया था। तो इस तरह से स्क्वायरिंग बेस्ड नंबर सिस्टम पे भी रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसी के जगह स्क्वायर के जगह आपको क्यूब करने के लिए दे सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 से 30 तक स्क्वायर एंड 1 से 30 तक क्यूब अगर लर्न कर लें तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर 11:101 हो
तो 91:2 क्या होगा, ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। आप देखिए जब 11 के बीच में एक जीरो बैठा दिया है, तो इसी तरह से अगर 91 है तो यहाँ पे अगर हम बीच में एक जीरो बैठा है तो आवर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 901। तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, जो ये कुछ हम लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे कैसे आ सकता है, बट आप लोग देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल पैटर्न है, इन दोनों नंबर के बीच में एक जीरो को प्लेस कर देना है। तो अगर 11 है बीच में जीरो प्लेस किए 101 हो गया, 91 के बीच में जीरो प्लेस करेंगे तो 9901 हो जाएगा। सो बड़ा ही सिंपल पैटर्न। चलिए एक बैंक का क्वेश्चन देखते हैं, ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। 26:5 हो तो 65:2 क्या होगा, तो ये आप सोचना है जो 26 और 5 किस तरह से रिलेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये x2+1:x से रिलेटेड है, दैट इज इस 5 का आप स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर होगा 25 और उसके साथ 1 प्लस कर दीजिए तो ये 26 निकल जाता है। तो हमें पैटर्न तो समझ में आया, ये क्या करना है, यहाँ का जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है और उसके साथ 1 ऐड करना है। अब हमें सोचना पड़ेगा जो किस नंबर का स्क्वायर करें और 1 प्लस करें तो 65 होगा। तो आई टोल्ड अर्लियर जो अगर हम सभी का स्क्वायर नंबर लर्न करके रखें तो बड़ा ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सम सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर 8 का स्क्वायर किया जाए तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसके साथ 1 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, 65। दैट इज आवर आंसर इज 8 हेयर, क्योंकि 8 के स्क्वायर के साथ 1 प्लस करने से 65 निकलता है। तो इस तरह का सम्स करने के लिए स्क्वायर नंबर याद रहना बहुत ही एसेंशियल है। चलिए अनदर देखते हैं, ये मैट में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हिच सेट ऑफ नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट, मतलब एक पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है, आप सेट देख सकते हैं 81, 77 और 69, ये एक सेट है। तो यहाँ पे चार सेट दिए हुए हैं, कौन सा सेट इससे रिजेंबल करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेट का पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो 81 और 77 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। सिमिलरली 69 और 77 का डिफरेंस 8 का है। तो हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे पहला नंबर जो 2 है उसका डिफरेंस 4 है और नेक्स्ट जो नंबर है उसका डिफरेंस 8 है। तो अब हम चेक करेंगे जो यहाँ पे ये सेम डिफरेंस वाला कौन सा सेट है। तो आप देख सकते हैं 56 और 52 का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है। एंड इन द सेम वे 52 और 44 का डिफरेंस क्या होता है, 8 होता है। तो ये डिफरेंस इस तरह से पैटर्न मिल गया, तो वी कैन से दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हाउ टू चेक। इस सेट में हम लोग देख सकते हैं जो कंजुकेटिव जो दो नंबर है वन आफ्टर अनदर उनका डिफरेंस क्या है, 4 और 8 है। तो इस सेट में 4 और 8 वाले डिफरेंस बी में है, तो ये बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये मेट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। 340 इज रिलेटेड टू 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन द सेम वे 729 इज रिलेटेड टू क्या होगा, तो आप देखिए 343 इज रिलेटेड टू 4, ये 4 इसके बीच वाला नंबर है। तो इसी तरह से अगर हमको 729 इज रिलेटेड टू निकालना हो तो 729 के बीच में क्या है, 2 है, तो आवर आंसर विल बी डी, दैट इज 2। तो इस तरह से हमेशा जो नंबर में हम लोग कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ऐसा भी नहीं, लॉजिक में ऐसा भी हो सकता है जो मिड वाले आंसर हो सकता है, लास्ट वाला आंसर हो सकता है, तो इस तरह से भी हमें सोचना पड़ सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और होपफुली आप सभी को पता होगा जो हम लोग जब नंबर सिस्टम का रीजनिंग सम करते हैं तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। जो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर दो तरह का होता है, आप लोग सभी याद रखें, एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। और हम लोग जो भी सम डिस्कस कर रहे हैं सब रियल नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एक सम देखते हैं, यहाँ पे एक सेट मैंने लिया 6, 36 और 63, तो इससे रिजेंबल करता हूँ यहाँ पे सेट कौन सा है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये 63 कैसे निकला, इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है, आप 3 को 6 के जगह लिखिए और 6 का 3 का जगह लिखिए, तो वी गोट 63। तो इन द सेम वे यहाँ पे कौन सा पैटर्न मैच करेगा, तो आप देख सकते हैं जे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 को अगर इंटरचेंज करें तो क्या होगा, 46। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। इस तरह से मैंने इस क्लास में आप लोगों के साथ 8 सम्स डिस्कस किया, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं और भी लॉजिक के सम के साथ आऊंगा। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग काइंडली इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।